आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन वन और टू सेंटेंसेस। फर्स्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइनाइड एंड एमाइड आयन इज नेवर ऑब्जर्व्ड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट बोला गया RCl इज हाइड्रोलाइज्ड टू ROH स्लोली, बट द रिएक्शन इज रैपिड। इफ अ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अपन फर्स्ट देखते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है साइनाइड का एंड एमाइड आयन का, ये ऑब्जर्व नहीं होते न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें। तो देखो क्या होता है, जो हमारा HCN होता है यानी कि pKa10 होता है इसका, ठीक है। और जो हमारा NH3 होता है, ठीक है, NH3 जो होता है यानी कि ये क्या होता है 11.25, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है, ये किसमें आते हैं, वीक एसिड्स होते हैं ये हमारे। और यहाँ पर इनके जो कॉन्जुकेटेड बेस होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे इनके कॉन्जुकेटेड बेस जो होते हैं ये कितने होते हैं, ये होता है CN-, ठीक है, CN- आयन, और कौन से होते हैं NH2- एंड NH2- आयन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनके जो कॉन्जुकेटेड बेस होते हैं ये तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ठीक है, आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं ये हमारे बैड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सिंस स्ट्रॉन्ग बेसेस आर बैड लिविंग ग्रुप्स, क्या होते हैं ये हमारे बैड लिविंग ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए क्या होता है, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसलिए क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं ये हमारे बैड लिविंग ग्रुप्स होते हैं इस वजह से, ठीक है। सो देयर डिस्प्लेसमेंट इन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन In nucleophilic reaction is never observed, ठीक है। तो देखो first तो हो गया, second बोला गया कि RCl जो होता है is hydrolyzed to ROH slowly, but the reaction is rapid, ठीक है। तो जो catalytic amount होता है potassium iodide का, इसको add करते हैं अपन to the reaction में, reaction mixture में, ठीक है। तो ये तो देखो second है, अब हमारा यहाँ पर देखो क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है, इसको ऐड करना हमें मिक्सचर में। तो देखो जो आयोडाइड आयन होता है, जो आयोडाइड आयन जो होता है ये क्या होता है, ये हमारा पावरफुल न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जल्दी से रिएक्ट कर जाता है RCl से और फॉर्म करता है RI, ठीक है। तो आयोडाइड आयन इज अ पावरफुल न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो ये क्या करता है, एनहेंस रिएक्ट्स रैपिडली, जल्दी से रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, विथ RCl के साथ, और क्या फॉर्म कर देता है ये RI, ठीक है, इस तरह से होता है। अब देखो फिर बाद में क्या होता है, क्योंकि I- क्या होता है, हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है देन Cl- से, ठीक है। आगे लिखते हैं अपन कि जो हमारा बाद में क्या होता है, फर्दर बिकॉज जो I- है, I- आयन इज बेटर लिविंग ग्रुप देन Cl-। देखो अब I- आयन जो होगा ये हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, ये तो लीव कर जाता है, ठीक है। और क्लोरीन- आयन जो होता है ये इतना बेटर नहीं होता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि I- आयन हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है देन Cl- आयन से, तो ये क्या करता है, ये लीव कर जाता है। और RI जो होता है बहुत जल्दी रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाता है किसमें, RCl में, RCl टू ROH में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि देयरफॉर जो
आर आई है इज मोर रैपिडली रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड देन आर सी एल टू आर ओ एच. आर सी एल टू फॉर्म आर ओ एच. ठीक है, तो देखो इसीलिए जो हमारा आई माइनस आयन है ये क्या होता है, ये रीजनरेटेड होता है, रीजनरेटेड रिसाइकल्स रिसाइकल्स इन द अबव रिएक्शन. तो देखो अब एक बार यहां पर मैं आपको रिएक्शन से भी बता देती हूँ. ठीक है, देखो क्या होता है, यहाँ पर हमने RCl लिया. ठीक है, यहाँ पर अब जब हम यहाँ पर क्या करवाएंगे, H2 का अटैक करवाते हैं, यहाँ पे से क्या होगा हमारा Cl माइनस तो निकल जाएगा, तो क्या बचता है हमारे पास R प्लस बचेगा. ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होता है OH2 है. ठीक है, तो जब ये इधर अटैक करेगा यहाँ पर है ना H प्लस के यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बनता है हमारा ROH2. ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ पे हमारा H प्लस का अटैक होगा तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल बन जाएगा. ये रिएक्शन जो होती है हमारी स्लो होती है. ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि देखो पहले तो रिएक्शन RCl को जब हाइड्रोलाइज करवाते हैं अपन ROH से तो ये रिएक्शन स्लो होती है, लेकिन जब रिएक्शन करवाते हैं अपन किससे, कैटालिटिक अमाउंट में जब KI मिलाते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है, रैपिड हो जाती है. ठीक है, तो ये वही चीज है, पहले तो हमारी रिएक्शन क्या हो रही थी, स्लो हो रही थी जब इसको हम हाइड्रोलाइज करवा रहे थे तो. ठीक है, अब देखो अब क्या होता है, यहाँ पर हमने RCl लिया है, वही अब यहाँ पर क्या हमने हमें लेना था पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, KI लेना था, तो ये किस किस में होता है, आई माइनस में होता है और के प्लस में होता है. तो देखो जब I माइनस लेते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये जो Cl है ये तो हमारा निकल जाता है तो माइनस Cl हो जाएगा. ठीक है, और इसकी जगह कौन ले लेगा, I ले लेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, I बन जाएगा. अब I जो होता है हमारा क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है. ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप होता है हमारा. ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर इसका वही होगा आगे, जब OH2 से हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये ROH बन जाएगा. अब देखो यहाँ पर जो है आई माइनस जो होती है, अब देखो ये जो जितना जल्दी लीव करेगा तो ये रिएक्शन हमारी उतनी ज्यादा ही रैपिड भी होगी. ठीक है, तो इसलिए आई माइनस जो होता है हमारा बेटर लिविंग ग्रुप होता है देन सीएल माइनस से, तो हमारा यहाँ पर क्या करता है, ये फास्ट लीव कर जाता है. ठीक है, अब ये फास्ट लीव कर जाता है तो हमारी रिएक्शन भी जल्दी होती है. तो यही रीजन है, हमें यही एक्सप्लेन करना था इसमें कि ये क्यों होता है, मतलब फास्ट क्यों हो जाती है और पहले स्लो होती है तो KI ऐड करने से फास्ट हो जाती है, तो इसलिए हो जाती है. ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.